नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकियाट्रिस्ट, मुजफ्फरपुर बिहार। मैं आज आपको डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। जिस तरह से आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में कलाकार प्रतियोगिता चल रही है, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए, नहीं मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, उसी तरह से आजकल शारीरिक बीमारियों की तुलना में मानसिक जो बीमारियाँ हैं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि डिप्रेशन, तनाव। और ये कहीं ना कहीं लोग छुपाते भी हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक स्टिग्मा है, लोगों को नहीं बताना चाहिए, कहीं कहीं लोगों के पास जानकारी का अभाव है। कभी कभी ये डिप्रेशन जो है इस कदर बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या करने जैसे कदम को भी उठा लेते हैं डिप्रेशन में आके, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कारण। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानें कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं। डिप्रेशन का लक्षण है किसी भी व्यक्ति जो पहले बिल्कुल ठीक था और पिछले कुछ सप्ताहों से, एक से दो दो तीन सप्ताह से ज़्यादा से, अगर सुस्त रह रहा है, उसको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, जो भी काम पहले अच्छे से कर पाता था जैसे टीवी देखना, इंजॉय करना, बातें करना, काम करना, उसमें अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको या तो रात में नींद नहीं आती है या फिर सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है और नकारात्मक विचार मन में बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर उसे लगता है कि सारे लोग मेरे पीछे सारे लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी लगना और कभी कभी आत्महत्या जैसे विचार का मन में आना, तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में या आपके किसी परिजन में कोई बहुत सुस्त हैं, पहले काम करते थे पर अभी नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और ये लक्षण जो मैंने बताए, अगर आपको लगता है कि आपने ऐसे लक्षण किसी में देखे हैं, तो प्लीज़ आप उनको काउंसलिंग के लिए उनको राज़ी कीजिए, उनको आप किसी साइकाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, उनका समुचित इलाज करवाएं। मानसिक रोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है, बस इसमें एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक एटीट्यूड की ज़रूरत है। थैंक यू, मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी अन्य मनोरोग की जानकारी के बारे में। धन्यवाद।